हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो रनिंग के बाद आपकी सांस फूल जाती है तो आप जल्दी से जल्दी कैसे रिलैक्स हों। देखिए, रनिंग के बाद दो तरह से रिलैक्स होती है बॉडी। एक तो आप स्ट्रेचिंग करते हैं, जो स्ट्रेचिंग करते हैं वो होते हैं जो हमारे मसल टाइट हो जाते हैं रनिंग करने के बाद, तो हम स्ट्रेचिंग करते हैं। उसे क्या होता है, हमारा जो लैक्टिक एसिड बनता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से मसल टाइट होते हैं, उससे हम बाहर आते हैं और अगले दिन वर्कआउट अच्छा करने के लिए स्ट्रेचिंग चाहिए। ठीक है, वो तो होगी स्ट्रेचिंग की बात, किस तरह आप अपने मसल को रिलैक्स कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जब आप रनिंग लगाते हैं तो एकदम आपकी सांस फूली होती है। जैसे 3-4 किलोमीटर आपने एक पेस के ऊपर रनिंग कर ली तो आपकी सांस फूल जाती है, तो उसके लिए एक बहुत ही नॉर्मल एक्सरसाइज है, वो मैं अभी आपको करके दिखाऊँगा। सभी जो एथलीट वगैरह हैं वो करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल एक्सरसाइज है। तो और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, कई लोगों को नहीं पता कि एकदम जैसे सांस फूल जाती है जल्दी से जल्दी, वो फूली हुई जो सांस है उससे आप कैसे बाहर आएँ। ठीक है, वो मैं आपको एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, आइए शुरू करते हैं। रनिंग के बाद आपने क्या करना है, आपकी जो सांस फूली होती है आपने घुटने जो है अपने बेंड नहीं करने, आपने इस तरह करना है और नाक से सांस लेकर ऊपर की तरफ जाना इस तरह, फिर मुंह से आपने सांस नीचे की तरफ छोड़ना है इस तरह। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह जब आप करते हो तो क्या होता है कि जल्दी से जल्दी जो आपकी सांस फूली होती है उससे आप बाहर आ जाते हैं बहुत ही जल्दी। ठीक है, ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं, रनिंग करने के बाद बैठ जाते हैं। आपने कभी भी बैठना नहीं है, आपने रनिंग करने के बाद थोड़ा 50-60 मीटर तक चलना है, उसके बाद ये इस तरह आपने अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। ठीक है, घुटने आपने इसमें बेंड नहीं करने, अपनी नाक से सांस लेना है ऊपर की तरफ जाना है और मुंह से आपने सांस छोड़नी है जब नीचे की तरफ जाना है। इस तरह आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं जो आपकी सांस फूली होती है, और मसल को आप स्ट्रेचिंग के साथ रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल आप सब्सक्राइब हमारा करते हैं तो आपको हर नोटिफिकेशन मिलेगी रनिंग के बारे में, हाई जंप के बारे में और जो भी फिटनेस वेट लॉस के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।